खबर रीवा जिले से है, जहां लापता बच्चों के परिजनों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए पुलिस अब पूरे देश में सर्च ऑपरेशन शुरू करेगी। ऑपरेशन मुस्कान पार्ट 3 अभियान चलाकर विभिन्न थाना क्षेत्रों से लापता नाबालिगों को बरामद कर पुलिस घर वालों को सुपुर्द करेगी। चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के संबंध में जानकारी देते हुए एडिशनल SP अनिल सोनकर ने बताया कि विभिन्न थाना क्षेत्रों से 163 लड़के और लड़कियां लापता हैं, जिनके मामले थानों में दर्ज हैं। पूर्व में दो अभियानों में बड़ी संख्या में नाबालिगों को बरामद करने के बाद अब पुलिस अभियान का तीसरा चरण नवंबर से शुरू करने जा रही है। देश के दर्जन भर राज्यों में 163 नाबालिगों को बरामद करने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू करेगी। एडिशनल SP ने बताया कि पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश जारी किए हैं। अभियान में सभी थानों को पुलिस लाइन से अतिरिक्त वाहन व डीजल उपलब्ध कराया जाएगा। उस दिन जानकारी एकत्र करके दूसरी सुबह पुलिस टीमें रवाना की जाएंगी। आपको बता दें कि जिले में सबसे ज्यादा लौर थाना क्षेत्र से 12 नाबालिग गायब हैं। इसके अतिरिक्त बैकुंठपुर व पनवार से 11, मनगवा से 10, नईगढ़ी में 10, सिविल लाइन 9, विश्वविद्यालय 8, सुहागी से 6, मऊगंज से 6, कोतवाली से 6, सामान से 6, सिमरिया से 5, सिरमौर से 4, गोविंदगढ़ से 3, चाकघाट से 2, रायपुर करछुड़ियान थाने से 2, जने से 2, अमहिया अतरेला सगरा डभौरा थाने में 1-1 नाबालिग गायब हैं, जिनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। सर, ऑपरेशन उसका चलाया जा रहा है, उस पे भी नया है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक मुस्कान अभियान के तहत एक सप्ताह का एक विशेष अभियान चलाया है, जिसमें जो बालक बालिकाएं घूमी हुई हैं और उनकी दस्तयाबी के लिए ये प्रयास होगा। इसके लिए सभी थानों से जिनके यहाँ ये प्रकरण लंबित हैं, वो एक टीम बना करके जहाँ संभावित स्थल हैं वहाँ जाएंगे और उनकी तलाश करेंगे और एक दस्तयाबी का ये अभियान चलेगा। ये कल से चालू हुआ है और प्रायः सभी थानों से एक एक टीम दस्तयाबी के लिए रवाना है। ये कुछ जो है राजस्थान में लोकेशन मिले हैं, कुछ की संभावना जो है गुजरात सूरत की है और इसी तरह अन्य राज्य हमारे इससे लगा हुआ उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ लगा हुआ है, यहाँ भी कुछ बच्चियों के प्रेम प्रसंग में जाने की खबरें हैं, जिस पर टीम रवाना है और उनको दस्तयाब करके लाएंगे और उसके बाद जो नया अपडेट आएगा वो आपको अवगत कराएंगे।